नमस्ते स्टूडेंट्स, डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आठवीं कक्षा के सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत हम इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं और अभी हम आपके इतिहास विषय के आपके चौथे चैप्टर जिसका नाम है उपनिवेशवाद और आदिवासी समाज, तो इस चौथे चैप्टर का हमने अध्ययन कर लिया है और अब हम देखते हैं कि इसमें जो प्रश्नोत्तरी है तो उन प्रश्नोत्तरी को अब हम हल करते हैं। तो स्टूडेंट्स, चलिए आप अपने पाठ्य पुस्तक का जो पेज नंबर 44 से जो लेकर 56 तक है, तो अभी आप पेज नंबर 55 पे आ जाइए, 55 पे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए 55 पे आपका देखिए पहला सवाल क्या है स्टूडेंट्स, उपनिवेशवाद और आदिवासी समाज, ये तो चैप्टर का नाम है। पहला प्रश्न है जो कि फिल इन द ब्लैंक्स है, खाली जगह को भरना है ना। इसमें है झूम खेती को, फिर खाली स्थान दिया हुआ है भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, झूम खेती को, उसको हम लोग या तो स्थानांतरित कृषि कहेंगे या फिर अंग्रेजी में हम लोग कहेंगे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका पहला सवाल हुआ। अब चलिए देखते हैं इसके आगे फिल इन द ब्लैंक्स में और क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने ये दूसरा सवाल, मुद्रा की सुविधा नहीं होने के कारण, फिर खाली स्थान दिया हुआ है, का प्रचलन था, यानी कि जब रुपया पैसा हमारे समाज में प्रचलन में नहीं था, है ना स्टूडेंट्स। आदिवासी समाज में आज भी है, सुदूर देहातों में आज भी बार्टर सिस्टम, जिसको वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं, वो अभी भी चलता है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्या सवाल है इसमें, इसमें अगला सवाल है स्टूडेंट्स, चरवाहे, फिर खाली स्थान दिया हुआ है, के अनुसार अपने स्थान व जानवर बदलते रहते थे, मतलब जो चरवाहे होते थे वो किस चीज़ के अनुसार अपने स्थान और जानवर बदलते रहते थे, तो मौसम के अनुसार, है ना। क्योंकि हम जानते हैं कि भारत का चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, जहाँ कहीं भी चरवाहे हैं, तो सालों भर जो है 12 महीने मौसम एक साथ तो नहीं रहता ना स्टूडेंट्स, है ना। तो इसका उत्तर होगा मौसम। अब चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल है, आदिवासी इलाकों में फिर खाली स्थान का महत्वपूर्ण स्थान होता है, तो स्टूडेंट्स देखिए इसका उत्तर तो वैसे मुखिया होगा, है ना, लेकिन आप ये मत समझिएगा कि जो पंचायतों में मुखिया का जो इलेक्शन होता है, जो इलेक्शन के माध्यम से, वो उस मुखिया की हम बात नहीं कर रहे हैं। वो मुखिया तो विकास से संबंधित होते हैं, वो डेवलपमेंट से संबंधित होते हैं, और यहाँ जिस मुखिया की बात है वो मुखिया हैं जो अंग्रेजों के आने से पहले आदिवासी समाज में थे और किसी न किसी रूप में आज भी वो हैं, और एक तरह से ये पूरी न्याय व्यवस्था को भी संभालते थे, शासन व्यवस्था को भी संभालते थे, पूरा गांव या कई गांव का जो एक यूनिट होता था उसके ये एक प्रकार से शासक की तरह होते थे, और ये सच पूछिए तो ये अपना दायित्व भी संभालते थे स्टूडेंट्स, ये नहीं था कि इनके पास सिर्फ अधिकार होता था, इनका कर्तव्य भी होता था और इनको जो है गाँव में मान्यता थी, समाज में मान्यता थी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगला सवाल है, निम्न प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। अब स्टूडेंट्स देखिए आपके सामने जो सवाल है उसमें क्या करना है आपको, उसमें कुछ लिखना है। अब तो अभी तक तो अपने फिल इन द ब्लैंक्स वाले सवाल बनाए, लेकिन अब वो नहीं है, अब इसमें आपको कुछ लिखना है। तो क्या लिखना है, पहला सवाल है कि झूम खेती कैसे की जाती है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से यदि आप पॉइंट वाइज लिखेंगे ना तो आपको अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे, है ना। तो देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, झूम खेती करने के लिए जंगलों में पेड़ों की ऊपरी शाखाओं को काटना, सूख जाने पर उनको धरती पर जला देना, राख में पोटास होने के कारण धरती का उपजाऊ हो जाना। एक्चुअली राख जो है ना स्टूडेंट्स वो केमिकली पोटास है, और एक तरह से वो जो है भूमि की जो उर्वरा शक्ति को तो वो बढ़ा ही देता है ना। और आगे देखिए, जंगल की उस भूमि में अनाज के बीजों का बिखेर दिया जाना, वास्तव में बिखेर दिया जाना मैंने इसलिए लिखा स्टूडेंट्स कि
वहाँ पे कोई रोपनी जैसी कोई प्रथा नहीं थी, रोपनी जैसा कोई सिस्टम नहीं होता था, बीज को यूं ही बिखेर दिया जाता था। प्राकृतिक जल पाकर पौधों का बड़ा हो जाना और फसल तैयार हो जाना, तो ये पूरी प्रक्रिया है झूम खेती की। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं अगला सवाल। स्टूडेंट्स देखिए, आपके सामने अगला सवाल है, अंग्रेज काश्तकारों को स्थायी रूप से क्यों बसाना चाहते थे। स्टूडेंट्स देखिए, काश्तकार का मतलब क्या होता है? काश्तकार का मतलब होता है किसान, है ना, जो जमीन में खेती का काम करता है और जो अस्थाई रूप से बसा होता है, तो उसको हम लोग काश्तकार बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, वास्तव में क्या था कि अंग्रेजी ज़माने में या उससे भी पहले जो आदिवासियों के जो सिस्टम था, मतलब उनका ग्रामीण परिवेश में उनका एक अलग सिस्टम था कि वो सारे लोग काश्तकार नहीं होते थे। कुछ लोग शिकारी होते थे, कुछ लोग संग्राहक होते थे, कुछ लोग झूम खेती करते थे, तो अस्थाई रूप से एक जगह नहीं रहते थे। तो अंग्रेज चाहते थे कि वो लोग सब एक जगह रहें। क्यों चाहते थे? देखिए इसका उत्तर यहाँ पे लिखा हुआ है, अस्थाई रूप से एक जगह रहने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान था। नियंत्रित करना आसान था मतलब स्टूडेंट्स कंट्रोल करना आसान था। ठीक है, अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी का नियमित स्रोत भी चाहते थे। कहने का मतलब स्टूडेंट्स कि यदि वो एक जगह रहेंगे तो कुछ तो मालगुजारी देंगे ना, जमीन का जो मालगुजारी होता है, लगान होता है, वो तो देना पड़ता उनको। ठीक है, ऐसे समूहों से अंग्रेजों को काफ़ी परेशानी थी जो यहाँ वहाँ भटकते रहते थे और एक जगह ठहर कर नहीं रहते थे। ऐसे लोगों पर नियम कायदे लागू करना भी मुश्किल होता था। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल है, महाजनी प्रथा से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर है, महाजनी प्रथा ग्रामीण भारत की बैंकिंग व्यवस्था है। सूदखोर महाजन कर्जा देते थे जिसका ब्याज बहुत अधिक होता था। ये लोग गरीबों के शोषक होते थे, लेकिन गरीबों के पास और कोई दूसरा चारा भी नहीं होता था कर्जा लेने का। कभी कभी यह महाजन गरीबों की जमीन भी अपने नाम कर लेते थे। तो स्टूडेंट्स, जब मैं महाजनी प्रथा के बारे में आपको विषय वस्तु समझाते समय आपको मैं समझा चुका हूँ, तो आप उस वीडियो को भी आप देखने का प्रयास कीजिएगा। ये तो प्रश्नोत्तर वाले वीडियो हैं और ये एक मतलब सटीक उत्तर है, इतना उत्तर यदि आप लिख देंगे तो काफ़ी होगा। अब आगे बढ़िए, अगला सवाल है, सिद्धू कानू कौन थे? तो स्टूडेंट्स, इनका संबंध जो है वो संथाल विद्रोह से था। ठीक है, तो इसका उत्तर है, सिद्धू और कानू संथाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे। संथाल विद्रोह 30 जून 1855 को संथाल परगना झारखंड में हुआ था। असल में ये चार भाई थे, सिद्धू कानू चांद और भैरव। तो इसके बारे में भी मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स, जनजातीय विद्रोह में संथाल विद्रोह सबसे ज़बरदस्त था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है स्टूडेंट्स, खरवार विद्रोह क्यों हुआ था? तो एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स, 1857 की जो क्रांति हुई थी वो मूलतः यदि झारखंड में देखा जाए तो हजारीबाग और रांची तक पहले सीमित थी। क्यों वहाँ हुई थी? इसलिए हुई थी कि वहाँ पर जो है अंग्रेजों का बैरक था, वहाँ पे जो है सैनिक थे, अंग्रेजी सैनिक थे, है ना, तो वहाँ विद्रोह हो गया। फिर वहाँ से वो कहाँ चला गया, फैल गया पलामू क्षेत्र में फैला, जहाँ चेरो खरवार और भोक्ता लोग जो थे वो लोग भी विद्रोह में शामिल हो गए। तो इसमें एक चीज़ और है, चूँकि भोक्ताओं में जो नीलांबर और पीताम्बर थे तो उनके पिता को अंग्रेजों ने मरवा दिया था, जिसके चलते जो है वो अपने पिता की हत्या का बदला भी लेना चाहते थे। तो कुछ इसी कारण से खरवार विद्रोह हुआ था और जो बहुत व्यापक रूप से ये विद्रोह हुआ बाद में चलकर। चलिए स्टूडेंट्स आगे देखिए, अब क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फॉर 8th बोर्ड एग्जाम। स्टूडेंट्स, आपको जो बोर्ड की परीक्षा देनी है ना, उसमें आपको कुछ मल्टीपल्स क्वेश्चन, सारे के सारे मल्टीपल क्वेश्चन ही आएंगे। आपको मालूम होगा स्टूडेंट्स कि SST में यानी कि सामाजिक विज्ञान में भी 20 सवाल होंगे, तो वे जो 20 सवाल होंगे वो मल्टीपल चॉइस वाले ही होंगे, है ना। तो चलिए इसमें क्या सवाल है, झारखंड का आदिवासी समाज किसे भगवान की तरह याद करता है? तो इसका उत्तर होगा स्टूडेंट्स बिरसा मुंडा। आगे देखिए, कोल विद्रोह कब हुआ था? कोल विद्रोह हुआ था स्टूडेंट्स 1831-32 में।
1895 में तो बिरसा का उलगुलान हुआ था, 1855 में संथाल विद्रोह हुआ था, और 1940 में ऐसा कोई विद्रोह नहीं हुआ था। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए और आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 1895 में बिरसा का उलगुलान था, अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने का संकल्प, महाजनों और भूस्वामियों से मुक्त होने का संकल्प, अंग्रेजी कानूनों को न मानने का संकल्प, इनमें से सभी। तो स्टूडेंट्स इसमें जो अंतिम जो ऑप्शन है वो सही है, क्योंकि बिरसा मुंडा का जो उलगुलान था ना वो इसमें से सबके लिए था, यानी अपना गौरवपूर्ण अतीत को तो फिर से प्राप्त करने की मंशा थी ही, और जो महाजन और भूस्वामी से उनसे भी मुक्त होना था, और अंग्रेजों को भी वहाँ से भगाना था, अंग्रेजों का कानून को नहीं मानना था। ठीक है आगे बढ़ते हैं। चलिए इनमें से कौन झारखंड का आदिवासी समुदाय है, बंजारा और कोया बंजारा? नहीं, ये तो नहीं होगा स्टूडेंट्स। क्यों नहीं होगा? ये इसलिए नहीं होगा कि ये महाराष्ट्र क्षेत्र में है, आंध्र प्रदेश क्षेत्र में है, और ये हैं आपको दक्षिण भारतीय क्षेत्र में। नागा और खासी, नागा लोग नागालैंड में हैं, खासी लोग मेघालय में हैं। भोटिया और वन गुज्जर लोग जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में हैं और उत्तराखंड में हैं। तो उत्तर हमारा क्या होगा? संथाल, मुंडा, उरांव और हो। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। सामाजिक सुधार के लिए बिरसा ने अपने लोगों को कहा, शराब पीना छोड़ दें, डायन व जादू टोने में विश्वास न करें, गांव को साफ रखें, इनमें से सभी। इसका उत्तर होगा इनमें से सभी। आगे स्टूडेंट्स वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, इसकी चर्चा तो हम लोग कर चुके हैं स्टूडेंट्स, सामान के बदले सामान की अदला बदली। अब आगे आइए, बिरसा राज का प्रतीक क्या था स्टूडेंट्स? सफ़ेद झंडा था, लाल हरा या पीला झंडा नहीं था। अब आगे आइए, छत्तीसगढ़ का बस्तर विद्रोह कब हुआ था स्टूडेंट्स? ये हुआ था 1910 में। 1855 में हुआ था संथाल विद्रोह, 1895 में बिरसा का उलगुलान, और 1940 में ऐसा कोई विद्रोह नहीं हुआ था। अब आगे आइए, बिरसा भगवान का जन्म कब हुआ था? 15 नवंबर 1875। याद रखिएगा स्टूडेंट, जो झारखंड स्थापना तिथि है ना 15 नवंबर, तो 15 नवंबर को झारखंड स्थापना तिथि और बिरसा जयंती हम लोग एक साथ मनाते हैं, ये तो जानते हैं आप लोग अच्छी तरह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदिवासी बड़ी संख्या में विस्थापित हुए, कैसे हुए? जंगलों को आरक्षित वन घोषित करने के कारण, बांध बनने के कारण, कल कारखाने और शहरीकरण के कारण, खनन के कारण, इनमें से सभी। तो इसका जवाब होगा इनमें से सभी। आगे बढ़िए, इनमें से कौन सी जाति आदिम जनजाति के अंतर्गत आती है, यानी कि प्रिमिटिव ट्राइब में आती है? तो इसका जवाब होगा स्टूडेंट्स बिरहोर। बाकी जो गोंड हैं और संथाल हैं और हो हैं, ये लोग तो काश्तकार हैं, किसान के समान ये लोग अपना जीवन जीते हैं, है ना? आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। उड़ीसा की एक आदिम जनजाति पत्तों का घर बनाती है, सावन भादो के महीने में मूसलधार बारिश में भी इनके मकानों में एक बूंद पानी अंदर प्रवेश नहीं करता, यह कौन सी जाति है स्टूडेंट्स? ये खोड़ जाति है, है ना? बंजारा जाति के जो लोग हैं ये तो महाराष्ट्र में हैं, है ना, तेलंगाना में हैं और आंध्र प्रदेश में हैं। गद्दी समुदाय के लोग जो हैं ये लोग तो हिमाचल प्रदेश क्षेत्र में हैं, कश्मीर क्षेत्र में हैं। बक्खल समुदाय के लोग भी कश्मीर क्षेत्र में हैं, जो बकरियां पालते हैं। गद्दी समुदाय के जो लोग हैं वो भेड़ पालते हैं, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, आंध्र प्रदेश की लगरड़िया जनजाति क्या पालते हैं? मवेशी, गाय और भैंस, बकरी, मधुमक्खी, हाथी। अरे वाह, यहाँ तो बहुत बढ़िया ऑप्शन दिया हुआ है, हाथी ऑप्शन भी दिया हुआ है स्टूडेंट्स। यहाँ पे हाथी नहीं होगा, है ना, मधुमक्खी भी नहीं, बकरी भी नहीं, मवेशी, गाय और भैंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। डायन प्रथा और जादू टोना, विच क्राफ्ट एंड सोर्सरी, आदिवासियों के विकास में बाधक है, ग्रामीण झगड़ों का कारण है, कोर्ट कचहरी और मुकदमेबाजी का कारण है, इनमें से सभी। तो इसका जवाब होगा इनमें से सभी। स्टूडेंट्स ये एक ऐसा चीज है, मतलब विच क्राफ्ट एंड सॉर्सरी जिसको बोलते हैं, डायन प्रथा, जादू टोना, ये सिर्फ झारखंड के समाज में नहीं बस बल्कि समूचे भारतीय समाज में, और कहना होगा कि समूचे जो है आदिवासी समुदाय में भी और अन्य समुदाय में भी कुछ कुछ ये चीज़ है, और इससे तो निजात पाना बहुत ज़रूरी है।
ये एक सामाजिक समस्या है जो जल्दी दूर होना चाहिए। इसके चलते बहुत सारी बाधाएं आती है विकास में, है ना, और परेशानियां झेलना पड़ता है लोगों को, और ग्रामीणों में झगड़े भी हो जाते हैं, मारकाट हो जाता है, कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी और न जाने क्या क्या, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स जो है हमने लगभग सभी सवालों के जवाब आपको दे दिए हैं, और आपको इसी तरह से सभी चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव सवाल हल करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स।